आपको इस उम्र में शादी करने का क्या जरूरत पड़ा? बहुत जरूरत है। नमस्कार, फर्स्ट बार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के गया जिले के शेरघाटी आसम प्रखंड में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की युवती से निकाह रचाया है। बताते चले कि 80 साल के बुजुर्ग से जब पत्रकार उनसे पूछे उनकी शादी के बारे में बात किए, तो 80 साल के बुजुर्ग ने बताया कि मुझे निकाह की सख्त जरूरत थी, इसलिए मुझे निकाह करना पड़ा। 80 साल के बुजुर्ग का नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह नूरानी है और जिस युक्ति से उन्होंने निकाह रचाया है उसका नाम रेशमा परवीन बताया जा रहा है। असम प्रखंड में इनका घर है, 11 नंबर वार्ड में है, जबकि 80 साल के बुजुर्ग बैदा गांव का रहने वाला है। निकाह में बैंड बाजा बराती नहीं था, कार से दुल्हे अपने दुल्हनिया को घर ले गए। निकाह को लेकर किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई। विवाह को भरी महफिल में हुआ, सारे बाराती खड़े हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में वीडियो है। जिस तरीके से मुस्लिम धर्म में निकाह पढ़ा जाता है, अल्फा होता है, शादी होती है, बाकायदा तमाम तरीकों से शादी हुई और फिर पत्नी नूरानी जो है एक किसान है और उनकी वाइफ एक बहुत ही नॉर्मल घर की है रेशमा, और रेशमा से उस शादी किए और फिर अपने घर लेकर गए। आपको बता दें कि 80 साल के बुजुर्ग नूरानी के दो बेटे हैं और दोनों की शादी भी हो चुकी है, वो परदेश में कमा रहे हैं। लेकिन नूरानी को उनकी पत्नी के देहांत हो जाने के बाद अकेलापन कुछ इस कदर सताने लगा कि उनको शादी करने की जरूरत पड़ गई। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं नूरानी। क्या जरूरत है घर में काम करने? बहुत जरूरत है, मुंह से बोली ना। जी हाँ हो गया। तो आपने सुना 80 साल के बुजुर्ग को क्या कुछ बता रहे थे अपनी शादी को लेकर, वो भी 25 साल की युक्ति के साथ। 80 साल के ये बुजुर्ग ने शादी रचाई है, युक्ति ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, ना ही तो उसके घर वाले ने कोई आपत्ति जताई। ये बहुत ही अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है, अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि 80 साल की उसकी पोती की एज की लड़की से शादी रचाया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।